हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, देखते रहिए लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि वो WBPDCL के बारे में। तो इस कंपनी एक जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इसके बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है 1 अगस्त 2018 में। तो इस बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। तो जो लोग चाहते हैं कि इस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई करना, उन लोगों के लिए मैं डिटेल्स में जो कि यहाँ पे बात करूँगा इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं इसका जो ऑफिशियल पेज है, मैं इसमें आया हूँ। तो इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फास्ट जो कि यहाँ पर जो वैकेंसी है, फास्ट जो पोस्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर प्रोबेशन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, इसका जो वैकेंसी है 14 फॉर मैकेनिकल एंड 6 फॉर इलेक्ट्रिकल। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि है फुल टाइम डिप्लोमा एंड डिप्लोमा थ्रू द लेटर इलेक्ट्रिकल एंट्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है फॉर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ यहाँ पे जो लिखा हुआ है वोकेशनल में 60% मार्क्स अगर आप जो कि आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सैलरी रहेगा 6,300 to 20,200 तक इसका सैलरी रहेगा। इसके साथ साथ सेकेंड जो पोजीशन में पोस्ट है सब असिस्टेंट इंजीनियरिंग प्रोबेशनर, तो इसके लिए मैं बात करूंगा सैलरी जो पोस्ट है 6, इसका जो सैलरी रहेगा 6,300 to 20,200 तक। इसका सैलरी क्वालिफिकेशन जो चाहिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद थर्ड पोजीशन में जो पोस्ट निकला हुआ है उसका मेरे लिए बात करूँगा सब असिस्टेंट इंजीनियरिंग फॉर सर्वे प्रोबेशनर, इसका सैलरी भी सेम है, वैकेंसी है 3 और इसका जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है फुल टाइम डिप्लोमा और डिप्लोमा थ्रू लेटर एंट्री इन सर्वे इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ अप्रूव्ड बाय द स्टेट काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे सर्वे इंजीनियरिंग के आपके पास जो अगर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो कि निकला हुआ है और एक पोस्ट जो है केमिस्ट प्रोबेशनर, जो जिसका सैलरी भी सेम रहेगा 18 वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 18 है, बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री। तो जो लोग बीएससी इन केमिस्ट्री में कंप्लीट किए ग्रेजुएशन वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद बात करूँगा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, इसके सैलरी भी सेम रहेगा 6,300 से शुरू होगा 20,200 तक इसका सैलरी जो रहेगा। ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स जो लोग के जो जिसके पास है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑनर्स ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC हैविंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद बात करूंगा ऑफिस एग्जीक्यूटिव, जिसका सैलरी भी सेम रहेगा, वैकेंसी है 25, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहेगा ग्रेजुएशन। स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ पे सैलरी सेम रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी है 6, हायर सेकेंडरी आपको आपके पास होना चाहिए जो कि हायर सेकेंडरी या डिप्लोमा जो नर्सिंग ट्रेनिंग के, अगर आपके पास कोई नर्सिंग ट्रेनिंग के क्वालिफिकेशन तो आप अप्लाई कर सकते। रेडियोग्राफर के पोस्ट निकला है, इसके साथ साथ इसका जो वैकेंसी है 2 एंड हायर सेकेंडरी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहना चाहिए आपके पास, तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं रेडियोग्राफर के लिए। इसके बाद बात करूँगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये भी सैलरी जो सेम रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी 15, इसके साथ साथ इसका जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है क्लास 12 के, अगर क्लास 12 आप पास कंप्लीट किए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जो पोस्ट है मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ऑपरेटर टेक्नीशियन प्रोबेशनर असिस्टेंट टीचर हाई स्कूल। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे जो कि और भी कुछ पोस्ट निकला हुआ है, जैसे कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल, ड्राफ्टमैन। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई मिस कर देता हूँ तो आप लोग यहाँ से ऑफिशियल जो
और नोटिफिकेशन है आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद मैं बात करूँगा जो कि एज लिमिट के, तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि है 21 से 32 ईयर्स फॉर द ऑल कैंडिडेट एंड SC ST के लिए 5 ईयर्स जो कि एक्सटेंड होता है। तो इसके लिए SC ST कैंडिडेट के एक एडवांटेज है जो 5 ईयर्स के एक्सटेंड होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन मोड और फीस। तो जनरल OBC कैंडिडेट रिक्वायर टू अप्लाई पेइंग नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ₹300। तो जनरल OBC वालों के लिए यहाँ पे 300 जो कि एप्लीकेशन फीस है आपको वो देना पड़ेगा। SC ST के लिए विल एलिजिबल WPDCL कॉन्ट्रैक्टर वर्क एंड WPDCL डिपार्टमेंट कैंडिडेट आर एग्जिम्ड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस ऑल एप्लीकेबल कमीशन लिवाइड बाय द बैंकर इट्स टू बी डिमांड रिमिटेड बाय द कैंडिडेट। तो जो लोग SC ST है उसके लिए भी सेम जो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप लोगों को सेम जो 300 है ऑल कैंडिडेट को आपको पे करना होगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इलाहाबाद बैंक जो कि इसका जो जिम्मेदारी लिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हैज़ बीन ऑथोराइज टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फीस थ्रू द इलाहाबाद क्विक कलेक्ट ओनली। कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपन सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। ये सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन स्लिप शैल बी जनरेटेड व्हिच शैल बी द सोल एक्नॉलेजमेंट फॉर द एप्लीकेशन सबमिशन। तो दोस्तों आपका इलाहाबाद के जो कि यहाँ पे आपको ड्राफ्ट करना होगा। तो दोस्तों और एक बात जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ लास्ट होगा, लास्ट डेट है 16 नवंबर 2018 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में मैं बोल देता हूँ। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द अप्लाई ओनली ऑनलाइन लिंक ऑन द WPDCL रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो दोस्तों इसके लिए आपको इसका जो ऑनलाइन के लिंक है जो कि एप्लीकेशन के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जो कि WPDCL वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिक्रूटमेंट। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। इसके साथ साथ अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा जो पेज है फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज आप लोग वहाँ से भी मैसेज करके मेरे को बोल सकते हैं कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो, अगर मैं उसका जो रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।